ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हम लोग राइट ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें हम लोग ट्राइंगल का एंगल्स और उसके साइड का बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट टीचेस अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये 90 डिग्री है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। एक होता है साइन, यहाँ पर हम सपोज एंगल दे रहे हैं, ये एंगल है थीटा, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और प्रोनाउंस करते हैं थीटा। तो सबसे पहला रेशियो है साइन थीटा। दीदी यहाँ पर दीदी, फिर होता है कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, टी ए एन टैन, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बुक में क्या लिखा है? एस आई एन ई साइन। सिन का ये साइन का फुल फॉर्म है साइन, एस आई एन ई। उसी तरह से कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट, ये सब फुल फॉर्म्स है, और कॉट का कोटेंजेंट। तो हम लोग ये सारा तो एंगल्स के बेसिस पे आया, अब साइड के बेसिस में कैसे रिलेशन निकालेंगे? ये एक राइट ट्राइंगल है और यहाँ पर एंगल है, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर पी और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टैन थीटा होता है पी बाई बी, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो एच बाई पी, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो एच बाई बी, और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है तो बी बाई पी। ये टेबल लर्न करना है। सम्स किस तरह से करेंगे तब और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे एक्सरसाइज 8.1 में पहला सम है, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, बोला है राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पे 90 डिग्री देना है, तो इस तरह से दे दिया। इसके बाद दो साइड बोल दिया, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फिर हमको अलग अलग वैल्यूज निकालना है, जैसे साइन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन सी का वैल्यू निकालना है, इस तरह से। तो साइन ए मतलब एंगल यहाँ पर, जैसे हम यहाँ थीटा दे दिए थे ना, वो लोग थीटा नहीं दिया, ठीक है, वो कॉपी। तो साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन मतलब क्या होता है? पी वाई एच, लेट मी एक्चुअली थोड़ा लर्न करो। तो इसका मतलब हमको हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस किस फॉर्मूला से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले हम सबसे पहले मेरा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस तो पता नहीं है, बेस के बदले हम लिख रहे हैं 24 का स्क्वायर और पी के बदले 7 स्क्वायर। तो बेस है 576 उसका स्क्वायर और ये 49, दोनों ऐड होकर आया 625। तो हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर रूट होगा 25, है ना। तो मेरा ट्राइंगल में ये 25 है, ये 7 है और ये 24 है। अब हमको निकालना है साइन ए। तो साइन होता है, लिख लेना पी बाई एच, क्योंकि अभी याद नहीं है। अब परपेंडिकुलर कितना है? अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये है, तो वो होगा 7 बाई हाइपोटेन्यूस मतलब 25। तो ये रहा साइन ए का वैल्यू। कॉस ए कितना होगा? कॉस मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है दीदी? बेस ये है, बी है। 24 और हाइपोटेन्यूस 25। तो ये रहा वैल्यू। अब बोला है साइन सी, तो इस बार एंगल कौन सा है? सी है ना, मतलब तो हम कॉपी को घुमा लेंगे। हाँ, सी पे बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना हो रहा है? 24 और हाइपोटेन्यूस 25।
तो मेरे लिए cos sin c का वैल्यू हो गया 24/25। उसी तरह से cos c, तो जब c पे बेस है तो बेस हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही ये रहेगा, तो ये आ गया ना चार वैल्यू इस तरह से। तो ये याद रखना कि जब हमको ऐसे वैल्यूज निकालने बोल रहा है तो एक ट्रायंगल में सबसे पहले हमको तीनों साइड कैलकुलेट करना है, समझ आया। फिर इसी तरह से क्वेश्चन 3 में दे दिया है साइन ए दे दिया 3/4, अब ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करके दिया बोलो, और बोला क्या है कॉस ए निकालने के लिए और टैन ए निकालने के लिए। तो हम एक ट्रायंगल इमेजिन कर रहे हैं, ए यहाँ दे दिया, राइट एंगल को छोड़कर नीचे दिए ताकि बेस बनाने में इजी हो। साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर उसके लिए क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज उसके लिए क्या है ए सी, है ना। तो वो लिख दिए, ऊपर वाला नंबर ऊपर के लिए तो इसका मतलब बी सी है 3k और ए सी है 4k। दीदी के क्या चीज़ है, के कांस्टेंट है क्योंकि हम वहाँ सेंटीमीटर तो लिख नहीं सकते, अब सेंटीमीटर है मीटर मीटर है वो हमको तो पता नहीं, वेयर के इज अ कांस्टेंट। हम क्या बताए थे, हमको तो हाइपो हमको तो तीनों साइड पता करना होता है, तो ये 3k है और ये 4k है, तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ए सी के बदले बैठाएंगे 4k का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर पता नहीं है और बी सी के बदले 3k का स्क्वायर, तो ये हो गया 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर है ए बी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आया 7k स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 7 तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो रूट 7 और k स्क्वायर के बदले k। अब हमको क्या क्या निकालना था, cos a और tan a, तो हम लिखेंगे cos a, यहाँ लिख देते हैं रूट 7k, cos मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो वो लिखेंगे रूट 7k बाई 4k, k और k कैंसिल तो रूट 7/4। इसी तरह से tan a, तो tan p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर है 3k हाइपोटेन्यूस है 4k, सॉरी p बाई बी रूट 7 तो वो 3/√7, यहाँ रूट 7 मल्टीप्लाई करके उसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ये करना पड़ेगा। हाँ अब और क्वेश्चंस नहीं करा रहे, एक ब्रीफ में बताकर छोड़ दे रहे हैं, जिससे फोर्थ क्वेश्चन में है 15 cot a इक्वल्स टू 8। cot a इक्वल्स टू 8/15, रुको, cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, दीदी किसका रेसिप्रोकल, tan का, इसी तरह से ट्रायंगल, हाँ वेरी गुड, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब बेस है 8k और परपेंडिकुलर है 15k। तो पहले हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर वो लोग जो वैल्यू बोला है साइन ए सेक ए वो सब निकालेंगे दीदी। और इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, तो यहाँ थीटा है ना, इस बार ट्रायंगल ड्रॉ करके हम यहाँ पर थीटा दे देंगे, तो sec होता है h/b, ये भी दीदी तो h है 13k बेस है 12k। पाइथागोरस से पहले परपेंडिकुलर निकाल लो, फिर वो लोग बोला फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इस तरह से जो पांच रेशियो है ना, कॉस का रेसिप्रोकल है ना, उससे क्या मतलब है, हाँ कॉस का है लेकिन एच वाई बी लिखे है ना पहले, तो फिर उससे सारा वैल्यूज फिर निकाल लेना, इस तरह से सम्स होगा।